हर इंसान के जीवन में कौवे का महत्व है सबसे ज्यादा, बस इंसान को समझने की जरूरत है। घर की मुंडेर पर एक या अधिक कौवे बैठकर कांव कांव करें तो समझ लें कि घर में अतिथियों का आगमन होने वाला है। किसी पानी भरे बर्तन में कौवे को स्नान करते देखें तो समझ लें कि लक्ष्मी माता की कृपा होने वाली है। जी हाँ, कौवे से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक जरूर करें। जिस घर में कौवे दाना पानी खाते हों पीते हों वहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। अगर तेल के बर्तन में कौवा चोंच मारे तो समझ लें कि घर के संकट दूर होने वाले हैं। अगर स्वप्न में कौवा घर की मुंडेर पर बैठा हुआ दिखाई दे तो उसका फल अत्यंत शुभ होता है। अगर स्वप्न में किसी स्थान पर दावत देती हुई दिखाई दी है और वहाँ कोई कौवा बोलता दिखाई दे तो दावत का आयोजन होता है। अगर रात में 2 बजे से 4 बजे के बीच स्वप्न में कौवा कहीं बैठा दिखाई दे तो शीघ्र तरक्की मिल सकती है। अगर स्वप्न में कौवा दूध पीता दिखाई दे तो घर में पुत्र का जन्म होता है। अगर स्वप्न में कौवा आभूषण लेकर उड़ता हुआ दिखाई दे तो अचानक धन की प्राप्ति कहीं से हो सकती है। अगर स्वप्न में कोई कौवा जाल से छूटता दिखाई दे तो मुकदमे में सफलता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में कौवे को आकाश से धरती पर गिरता हुआ देखे तो धन की प्राप्ति संभव है। अगर स्वप्न में कौवे का छोटा बच्चा अपने घोंसले से सर निकाल कर बाहर काउ काउ करता दिखाई दे तो उस व्यक्ति को सुख मिलेगा। यदि रविवार के दिन कोई कौवा किसी तालाब में गिरकर मर जाए तो उससे वर्षा कम होगी, और अगर वर्षा के साथ ओले गिरों और कौवे ओलों को अपनी चोंच में उठाकर घोंसले की ओर भागे तो वस्तुएं काफ़ी महंगी हो जाएंगी। अगर दोपहर के समय कोई कौवा ऐसी किसी व्यक्ति के सर पर मंडराता हुआ दिखाई दे जिसकी सगाई हो चुकी है तो समझ लीजिए कि उसका संबंध टूट जाएगा। अगर मंगलवार की रात्रि को स्वप्न में कौवे का झुंड दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो कौवे से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।